मम्मी घर पे नहीं होते ना, खाली खाली सा लगता है घर, मन ही नहीं लगता घर में बिल्कुल भी ना। तो अब मम्मी आ गए हैं तो अब मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। इसी में को ढूंढ लेते हैं सो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज लास्ट नवरात्रि का दिन है और मैं सुबह जल्दी उठकर रेडी हो गई थी। रेडी इन द सेंस नहा ली थी, पर चेंज मैंने नहीं किया। अभी चेंज मैं थोड़ी देर में करूँगी क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं और वो करके उसके बाद ही मैं चेंज करूँगी। अच्छा, ब्रेकफास्ट मैं कर चुकी हूँ और मम्मी जो हैं आज शादी में गए हुए हैं। शादी में जैसे हल्दी और मेहंदी का फंक्शन उस तरह से होता है ना, तो शायद आज हल्दी का फंक्शन है तो मम्मी वहाँ गए हुए हैं। तो जब तक मम्मी आते हैं तब तक मैं अपना जो भी मेरे काम है वो मैं कर लेती हूँ। तो मुझे कुछ कपड़े हैं जो वॉश करने हैं और डस्टिंग करनी है, और मेरे बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो मुझे पैक करके रखने हैं, और कुछ वीडियोस जो मैंने शूट कर रखी हैं उनकी एडिटिंग करनी है, वो सब मैं भी कर लूँगी। तो जब तक मम्मी आते हैं, और आज वीडियो ऑलमोस्ट वॉइस ओवर ही होगा क्योंकि जो बैकग्राउंड में ना काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ है, क्योंकि हमारे नेबर में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ है, तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर ही किया है इसे। तो अभी हम चलते हैं, थोड़ी देर में मशीन लगाते हैं। ये मैं नहा धो के तैयार तो हो गई थी, लेकिन मैंने अभी चेंज नहीं किया है। चेंज मैं मम्मी के आने के बाद ही करूँगी क्योंकि अभी मुझे थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करनी थी। तो मुझे यही था कि मैं पहले ये कंप्लीट करके ना उसके बाद ही अपना चेंज करूँगी। तो बस वही है, अभी मैं ये सब क्लीन कर रही थी तो इस तरह से। और जब तक मम्मी आते हैं तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा अपना एडिटिंग का काम भी जो है, जो मुझे वीडियो एडिट करनी है, मैं वो भी फिनिश कर लेती हूँ तब तक। तो बस वही अभी मैं कर रही थी उसको और मम्मी का वेट कर रही हूँ कि कब मम्मी आएंगे वहाँ से। तो मम्मी आ गए हैं। जब मम्मी घर पे नहीं होते ना, खाली खाली सा लगता है घर, मन ही नहीं लगता घर में बिल्कुल भी ना। तो अब मम्मी आ गए हैं तो अब मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। तो और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या करूँगी। तो देखिए मैं रेडी हो गई हूँ और अब मैं अपने जो बचे हुए काम हैं वो कंप्लीट करूँगी। बहुत सारे कपड़े थे वुलन, मतलब जो विंटर्स के कपड़े थे जो मुझे पैक करके रखने थे, वही अब मैं इन्हें पैक करूँगी। अभी ऑलमोस्ट शाम होने को ही है वैसे तो, मतलब आफ्टरनून हो चुके, लंच वगैरह हम कर चुके हैं, तो
3:30 के आसपास का ये टाइम है। तो अब मैं इस टाइम पे ही जो मेरे एक्स्ट्रा काम होते हैं वो मैं इसी टाइम करती हूँ। तो अभी बस मैं ये कपड़े वगैरह है जो हैं इन्हें पैक कर रही थी। ये जो विंटर्स के उठा के रखने वाले कपड़े होते हैं ना, इन्हें मैं सेपरेटली ही वॉश करती हूँ। मतलब मैं इन्हें मशीन वॉश नहीं करती हूँ, इन्हें मैं हाथ से ही वॉश करती हूँ। तो इन्हें मैंने हाथ से वॉश करके उसके बाद इनको अच्छे से सुखा के धूप में, उसके बाद मैं इन्हें पैक कर रही थी। ये देखिए पीपी बैग हैं, इन्हें मैं पैक कर रही थी। और इसे पैक करने से ना बड़ा बेनिफिट हो जाता है वो इस तरह से कि जैसे अगर आपको जैसे विंटर्स के या समर्स के जब भी कपड़े उठा कर रखने होते हैं ना, तो उन्हें इस तरह से पीपी बैग में पैक करके रखते हैं अगर, तो आप तो उससे क्या होता है कि ना तो उन पर धूल मिट्टी लगती है और ना वो फिर अगर आपको उसी जगह से आपको कुछ और सामान निकालना है तो ना तो वो अनफोल्ड होते हैं फिर बार बार। क्योंकि अगर आपको जैसे आपने कहीं एक जगह रखे हैं ऐसे ही बिना पैक किए, तो वो क्या होते हैं बार बार अनफोल्ड हो जाते हैं अगर आपको वहाँ से कुछ सामान निकालना पड़ता है। तो फिर वो बार बार फोल्ड करना तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। और इस तरह से करने से ना तो ये बार बार अनफोल्ड होंगे और ना इन पर कोई धूल मिट्टी या कुछ भी इस तरह से होगा। और नेक्स्ट सीजन में जब आप इन्हें निकालेंगे ना, तो इनमें कोई स्मेल भी नहीं होगी इवन, क्योंकि जो आपने लिक्विड या जिसमें भी ईजी में आपने जिसमें इसको वॉश किया है उसकी ही फ्रेग्रेंस आएगी लंबे टाइम के बाद। वरना तो इस तरह से अगर हम रख देते हैं तो उसमें स्मेल भी हो जाती है कपड़ों में। तो इस तरह से करने का जो ये तरीका है ये मुझे बड़ा पसंद है, बहुत लंबे टाइम से मैं ऐसे ही करती हूँ कपड़ों के साथ। तो यही अब मैं कर रही थी। इससे पहले बहुत सारे कपड़े जो हैं वो मैं वॉश करके रख चुकी हूँ, ये थोड़े से एंड के बचे हुए थे तो आज मैं इन्हें ही अब रख रही थी। क्योंकि आज मैं थोड़ा फ्री थी तो मैं यही काम कर रही थी। ये देखिए इस तरह से, तो मैं हर सीज़न ऐसे ही करती हूँ। जब विंटर्स एंड होती हैं तब भी, जब समर्स एंड होती हैं तो समर के कपड़े भी मैं इसी तरह से ही रख देती हूँ। तो ये तो मेरे हो चुके हैं सब, अब हम डिनर की तैयारी कर लेते हैं। तो आज फास्ट है, लास्ट नवरात्रा है आज, तो हम फास्ट का ही अभी जो डिनर है फास्ट का ही उस हिसाब से ही बना रहे थे हम। तो अभी ये मम्मी सामकी बना रहे हैं, इसको सामकी या सामक बोलते हैं। ये थोड़ा राइस की तरह ही दिखते हैं और इसमें टमाटर की प्यूरी बना के पहले, उसके बाद उसमें इनको सामकियों को अच्छे से वॉश करके उसके बाद इसको इसमें डाला जाता है। और इसमें जैसे चावल बनाते हैं ना, राइस जैसे हम बनाते हैं उसमें खूब सारा पानी डलता है, तो इस तरह से इसमें भी खूब सारा पानी डलता है। ये दिखने में तो राइस जैसे ही लगते हैं, थोड़े छोटे छोटे होते हैं लेकिन राइस जैसे लगते हैं, पर ये राइस होते नहीं हैं, ये फास्ट में खाने के लिए ही होते हैं स्पेशली। तो इसमें अब मम्मी कुछ स्पाइसेस डाल रहे हैं और अभी इसको हम लीड से कवर कर देंगे तो ये अपने आप कुक होता रहेगा और थोड़ी देर में फिर ये रेडी हो जाएगा। और तब तक हम क्या कर रहे हैं, हम जो बॉइल्ड पोटैटो होते हैं उन्हें मैश करके उसमें कुट्टू का आटा या फाफरे का आटा इसको बोलते हैं, इसे मिला रहे हैं इसमें। तो इसका एक डो प्रिपेयर करेंगे, पहले इसमें स्पाइसेस डाल देते हैं कुछ। तो उसके बाद इसका एक डो प्रिपेयर करेंगे। तो और बीच बीच में इसे भी ओपन करके देख लेते हैं कि ये कितना कुक हुआ है। और अब मम्मी जो हैं इसका डो प्रिपेयर कर रहे हैं। इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि जो पोटैटो हैं वही उसी के उसमें वो डो बन जाते हैं। अब ये थोड़ा बहुत तैयार हो चुके हैं, थोड़ी बहुत ही अब इसमें रह रहा है, थोड़ा सा कुक होना थोड़ा सा ही रह रहा है। आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो आपको मेरी वॉइस थोड़ी सी चेंज लग रही होगी, शाम होते होते हो गया था मेरा गला ख़राब तो आपको मेरी वॉइस थोड़ी सी चेंज लग रही होगी और आपको स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा उसकी वो लगी होगी। साथ में कंस्ट्रक्शन चल रही है हमारे घर के तो उसका भी काफ़ी शोर आपको लगा होगा स्टार्टिंग में वीडियो में ना, बीच बीच में लग भी रहा होगा। और तो अभी हमने जो डो प्रिपेयर किया था उसकी हम पूरियाँ बना रहे हैं, पूरियों के लिए हमने जो डो था वो प्रिपेयर किया था। तो इस तरह से बन रही हैं और अभी हम आपको एक बनाकर भी दिखाएंगे किस तरह से होता है। एक्चुअली जो ये डो होता है ना थोड़ा सा स्टिकी होता है, तो इस तरह से पीपी बैग लेकर उसमें थोड़ा सा घी या जो भी आप लगाना चाहें वो लगाकर उसके बाद इसे इस तरह से बेला जाता है ताकि ये स्टिक ना हो। और इस तरह से जितनी पतली चाहें आप उतनी पतली बना सकते हैं और बहुत अच्छी बनती हैं ये। अभी देखिए मम्मी बना रहे हैं, इस तरह से ये बनती हैं, बहुत ही क्रिस्पी होती हैं, बहुत टेस्टी होती हैं ये। अभी इस तरह से हम सारी प्रिपेयर करके रख लेंगे और
पापा का हम वेट कर रहे थे कि पापा कब आएंगे, फिर हम इकट्ठे ही एक साथ डिनर कर लेंगे सब। तो हम सारा एक साथ ही बना कर अभी रख रहे थे ताकि सब साथ में डिनर करें फिर। तो इस तरह से बना रहे थे हम। तो ये हमारी सारी प्रिपेयर हो चुकी हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा। बाय।